अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं केवी गोरी यूट्यूब चैनल। तो आज आपको पता है कि तीन मैचेस थे और तीनों मैच ही पाकिस्तान के लिए अहमियत के हामिल थे, इंपॉर्टेंट मैचेस थे तीनों। तो आज क्या कुछ हुआ कि पाकिस्तान सेमीफाइनल खेल रहा है या नहीं खेल रहा, कैसे खेलेगा, तो इन सब सवालों के जवाब मैं आपके लिए लाया हूँ। तो आप अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज के पहले मैच पे, जो कि जिम्बाब्वे वर्सेस था बांग्लादेश। वो पाकिस्तान के लिए इम्पोर्टेंट था कि बांग्लादेश जिम्बाब्वे को हराए तो फिर पाकिस्तान के कुछ चांस थे, और ऐसे ही हुआ। काफ़ी टफ मैच गया, फिर बांग्लादेश ने जो है ना लास्ट बॉल पे मैच जीता, तो वो पाकिस्तान के हक में चले गया मैच। सेकेंड मैच पाकिस्तान का खुद का था, पाकिस्तान वर्सेस नदरलैंड। वो भी इम्पोर्टेंट मैच था, लो स्कोरिंग मैच हुआ, 92 का टारगेट दिया नदरलैंड ने पाकिस्तान को। तो पाकिस्तान ने तकरीबन 14 ओवर लिए, ओवर ज़्यादा लिए। वैसे तो पाकिस्तान को चाहिए था कि 10 विकेटों से जीतता या 8 विकेटों से भी जीतता, लेकिन जल्दी मैच को फिनिश करना था, क्योंकि आगे जाके अगर रन रेट पे बात आती तो फिर पाकिस्तान को मुश्किल नहीं होती। लेकिन वो भी पाकिस्तान चौथे ओवर में ले गया, लेकिन जीत तो जीत होती है। खैर, पाकिस्तान मैच जीत गया। फिर थर्ड मैच की बात करते हैं, वो भी पाकिस्तान का ही मैच था, समझ लें कि पाकिस्तान के लिए बहुत इम्पोर्टेंट मैच था। वो साउथ अफ्रीका वर्सेस इंडिया, वो भी साउथ अफ्रीका को हारना था तो पाकिस्तान ने आगे चांस बनता था उसका। तो थर्ड मैच की बात करते हैं, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका को इंडिया ने हराना था, पूरा पाकिस्तान आज दुआएं मांग रहा था इंडिया के लिए कि आज का मैच इंडिया जीते, लेकिन बहुत टफ मैच हुआ। इंडिया ने भी फाइट की, लेकिन नतीजा जो ये निकला कि साउथ अफ्रीका मैच को जीत गया। सबसे पहले बात करेंगे टॉस पे, तो टॉस जीता इंडिया ने। इंडिया ने बैटिंग का फैसला किया, साउथ अफ्रीका ने बड़ी टाइट बॉलिंग की। साउथ अफ्रीका के जो बॉलर्स हैं बहुत अच्छी बॉलिंग की, उन्होंने इंडिया को 132 पे आउट कर दिया। तो इंडिया ने टारगेट दिया 134 का, 133 144 का टारगेट था। तो जब सेकंड बैटिंग स्टार्ट हुई साउथ अफ्रीका की, तो इंडिया के बॉलर्स ने भी काफ़ी अच्छी बॉलिंग की। 10 ओवर में भी उनको मेरे ख्याल उनके भी कोई 50 रन भी नहीं होने दिए, काफ़ी अच्छा मैच जा रहा था। लेकिन रिंग्स ब्रेक के बाद मैच का मज़ा आया जब साउथ अफ्रीका वालों ने चार्ज करना स्टार्ट कर दिया। अश्विन काफ़ी महंगे साबित हुए, अश्विन ने एक ओवर में 2 छक्के खाए थे, 2 बॉलों पे 2 छक्के खाए थे, वो मैच का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। तो अश्विन ने बहुत पिटाई की, वरना इंडिया बहुत अच्छा जा रहा था, पाकिस्तान के हक में मैच जा रहा था। लेकिन उसके बाद कोहली, विराट कोहली ने एक अहम तरीन कैच छोड़ा, और रोहित शर्मा से रन आउट मिस हुआ। तो ये भी टर्निंग पॉइंट, 2 थे टर्निंग पॉइंट, एक कैच छूटा और एक रन आउट मिस हुआ। अगर इंडिया मैच जीत जाता तो पाकिस्तान के लिए आसानी हो जाती कि पाकिस्तान के जो आगे आने वाले जो 2 मैचेस हैं, जो कि साउथ अफ्रीका के साथ हैं और फिर एक बांग्लादेश के साथ है, तो वो भी अगर पाकिस्तान दोनों मैचेस जीतता और आज इंडिया साउथ अफ्रीका को हराता तो फिर इंडिया और पाकिस्तान के चांसेस हो जाते सेमीफाइनल खेलने के। लेकिन बहुत मुश्किल लग रहा है कि पाकिस्तान सेमीफाइनल खेले। अभी मैं आपको बताता हूँ कि पाकिस्तान सेमीफाइनल में कैसे जा सकता है, क्या कुछ हो सकता है, क्या कोई मुआवजा हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, उम्मीद पे दुनिया कायम है। तो एक रिपोर्ट मैंने तैयार की है, आपको मैं रिपोर्ट दिखाता हूँ, ये आप देखें स्क्रीन पे आपके आ रहा होगा पॉइंट्स टेबल, कि कौन सी टीम अभी कहाँ पे खड़ी हुई है। तो आप देखें कि सबसे जो टॉप पर है वो है साउथ अफ्रीका, 3 मैचेस खेले, 2 जीते, एक मैच जो उनका था वो बारिश की नज़र हो गया था तो 1 पॉइंट उसका मिला था, 3 मैचेस और उनके 5 पॉइंट। तो दूसरे नंबर पे इंडिया, 3 मैचेस खेले, 2 जीते, 1 हारा है, 4 पॉइंट। उसके बाद आ जाता है तीसरे नंबर पे बांग्लादेश, 3 मैच खेले, 2 जीते, 1 हारा है, 4 पॉइंट। चौथे नंबर पे जिम्बाब्वे, 3 मैच खेले, 1 जीता, 1 हारा और 1 बारिश की नज़र हुआ तो 3 पॉइंट हो गए जिम्बाब्वे के। उसके बाद 3 मैच खेले, 1 जीता, 2 मैच हारे, पाकिस्तान के 2 पॉइंट पांचवें नंबर पे। और छठे नंबर पे है, तो छठे नंबर पे है नदरलैंड, 3 मैच खेले,
तीनों हारे और 0 पॉइंट है। अभी मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान का चांस कैसे देखें, सब टीमों के तीन तीन मैचेस हो चुके हैं, दो दो मैचेस रह गए, ठीक है, सब टीमों के दो दो मैचेस रह गए। तो अभी ये होगा कि जो साउथ अफ्रीका के जो मैचेस हैं दो रह गए, या वो बारिश की नज़र हो जाए, दोनों मैचेस में बारिश हो जाए, या वो दोनों मैचेस हार जाए, तो फिर पाकिस्तान का चांस है। तो या फिर इंडिया के जो हैं दो मैचेस, या वो भी बारिश की नज़र हो जाए या फिर दोनों हार जाए, तो फिर पाकिस्तान का चांस है। तो देखो कुदरत का जो निज़ाम है, बारिश तो हो सकती है लेकिन हारना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि जो इंडिया के मैचेस हैं वो हल्की टीमों के साथ हैं, जैसे बांग्लादेश के साथ हैं और नदरलैंड के साथ है, तो दो मैचेस हैं। तो बांग्लादेश के साथ जो मैच है वो थोड़ा टफ लग रहा है इंडिया का हो, लेकिन जो के नदरलैंड के साथ है वो थोड़ा इजी हो सकता है। लेकिन देखें ये T20 क्रिकेट है, होने को कुछ भी हो सकता है, छोटी टीम बड़ी टीम को भी हरा सकती है, क्योंकि T20 क्रिकेट का यही मजा है कि कोई भी किसी को हरा सकता है। तो मैच का जी मजा आएगा। तो अभी पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है सेमीफाइनल खेलना, लेकिन नाम उनके नहीं है, उम्मीद पे दुनिया कायम है जी। दुआएं करें, सब पाकिस्तानियों से मेरी यही गुजारिश है, दुआएं करें। लेकिन देखें पाकिस्तान ने भी कोई अच्छी क्रिकेट खेली नहीं हुई, लेकिन एज अ पाकिस्तानी हमारा दिल तो उनके साथ है जी, पाकिस्तान का नाम उनके साथ लगा हुआ है, तो फिर पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे और चाहेंगे कि पाकिस्तान सेमीफाइनल खेले, फाइनल जीते, ट्रॉफी पाकिस्तान में आए। तो इसी उम्मीद के साथ पाकिस्तान किसी तरीके से सेमीफाइनल में पहुंच जाए। मुझे दीजिए इजाज़त, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।